वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग है आप गोलजू देवता चंपावत, और इससे पहले घोड़ा खाल के गोलजू देवता का मैंने बना रखा है ब्लॉग, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बच गए चितई वाले गोलजू देवता, तो जो चंपावत के सबसे मशहूर जो गोलजू देवता है उसी मंदिर में मैं आया हूँ। फिलहाल इवनिंग का टाइम है और 7 बज चुका है, आरती होने वाली है, आरती भी अटेंड करेंगे। तो एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आपका वेट कर रही है, गोलजू देवता चंपावत। दोस्तों, आपने मंदिर में जाकर मुरादें मांगी होगी, हाथ जोड़कर मन्नत मांगकर, पर आज हम चलिए ले चलते हैं आपको गोलजू देवता के मंदिर, जहां पर बस चिट्ठी भेजने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये हैं चंपावत के गोलजू देवता, जिन्हें ग्वाल देवता, गोलू देवता, गोरल देव और ग्वाल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो गोलू देवता के मेनली 3 मंदिर हैं। एक है नैनीताल में भवाली के पास और घोड़ाखाल नामक जगह पर, एक है अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर, और ये है गोलजू मंदिर जो कि चंपावत जिले में स्थित है, और चंपावत मेन हेडक्वार्टर में ही ये मंदिर स्थित है। देख सकते हैं आप, ये लगी हुई है पार्टी का, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में जन्म से लेकर। ये है गोलजू देवता के बाहर परिसर के बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों, ये था बाहर का नज़ारा, ये जो चंपावत में गोलजू देवता का मंदिर है उससे बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और ये है मंदिर परिसर के, और ये पट्टिका लगी हुई उत्तराखंड टूरिज्म का लिखा हुआ है। तो टूरिज्म के लिए भी ये बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जो उत्तराखंड के मेन मंदिर हैं जो गोलजू देवता के, उसमें सबसे बड़ा मंदिर इसे ही माना गया है, और ये है चंपावत के गोलजू देवता मंदिर। तो यह है मंदिर का मेन भवन, और यहीं पर ये मूर्ति रूप में पूजे जाते हैं गोलजू देवता, जो कि आप देख रहे हैं इनका बाल अवतार के रूप में इधर इसे पूजा जाता है। सबसे बड़ा मंदिर है ये चंपावत का, और चंपावत मेन सिटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, और 4-व्हीलर से भी, कोई ट्रैकिंग नहीं है, और बहुत आसानी से। और इनके बारे में बता दूं कि ये कत्यूरी शासक के राजा झालाराम और इनकी माँ थी कलिंद्रा, उनके इन बहादुर संतान थे, और ये उस पिता की मृत्यु के पश्चात जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इनको न्याय पद्धति के लिए इनको माना जाता था, इसी कारण इनको संपूर्ण कुमाऊं अंचल में न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। तो देख रहे हैं आप, ये है गोलजू देवता का मंदिर, और बाहर इनकी माता पिता और इनके जो अंगरक्षक थे उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई है, और अंदर वाले मेन मंदिर में ये गोलजू देवता के और कुछ रखे हुए हैं, और काफ़ी घंटियां लोग इधर चलाते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस मंदिर में आकर आप चिट्ठी लिखकर जाएं और अपनी मन्नत मांगकर जाएं, और कुछ समय बाद ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यही है गोलजू देवता की। तो आइए दोस्तों, हाँ, कुछ और परिसर दिखा देता हूँ इस गोलजू देवता परिसर चंपावत का। ये पीछे देख रहे हैं आप, यही है उसका मेन गेट, मैं उसके जो परिसर है वहाँ पर आया हूँ, तो आपको कुछ और व्यू दिखाने के लिए। रात हो चुकी है लगभग, और इंतज़ार कर रहे हैं हम आरती का। दोस्तों, आरती मैं शामिल होने से पहले दिखा देता हूँ आपको मंदिर परिसर के कुछ और नज़ारे, और सामने आप देख रहे हैं यही है मंदिर परिसर, इसके बाहर का जो इसकी बैक साइड है, और ये है मेन मंदिर का नज़ारा, और इसके ठीक सामने, और यहाँ पर जो आप एक छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, और ये है भगवान शिव का, यहाँ पर एक स्थापित किया गया है शिवलिंग, और इसी पर काफ़ी बाबा लोग पहले यहाँ पर बैठा करते थे, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे कोई बाबा नहीं मिले। मंदिर में पुजारी हैं और शाम को आरती होती है, काफ़ी शांत वातावरण है इधर का, और यही है शिव जी का मंदिर जो कि इसके प्रांगण में ही है। और इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि कुमाऊं रीजन के अलावा गढ़वाल में भी इन गोलू देवता की काफ़ी मान्यता है, वहाँ पर गोलू देवता को कुल देवता के रूप में माना जाता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, और वहाँ पर 9 दिन का बहुत बड़ा जागर का कार्यक्रम भी होता है। और फिलहाल हम हैं चंपावत में गोलजू देवता, यहाँ पर इनका जो विख्यात नाम है वो गोलजू देवता है। मेरे चैनल पर ही आप घोड़ाखाल का एक और गोलजू देवता, गोलू देवता का मंदिर है, उसका ब्लॉग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मैं इंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगा, और बहुत जल्दी मैं अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता के मंदिर की भी आपके लिए ब्लॉग लेके आऊँगा। तो देख सकते हैं आप, ये है उनकी छत, जो पाथर की छत होती है, पत्थर की छत, जो पुराने हमारे कुमाऊं रीजन में मकान होते थे, ठीक उसी तरह की ये मंदिर है। और ये मंदिर के बाहर का मैं इलाका दिखा रहा हूँ, और यह मंदिर का मेन गेट, और यहीं पर सामने आप देख रहे हैं स्थापित हैं
गोलू देवता, गोलजू देवता। तो लगभग संध्या काल का समय हो चुका है और रात्रि अपने आने की तैयारी में है। तो ये फ़िलहाल इस तरह के यहाँ पर झंडे चढ़ाए जाते हैं। तो ये है लगभग शाम का 7:30 बज चुका है, देख रहे हैं आप शिला। इस शिला के दर्शन करने में बहुत ज़रूरी है मंदिर को जाने के लिए। फिलहाल आरती ख़त्म हो चुकी है और हम जा रहे हैं विभूति और प्रसाद लेने। तो मैं आपको ले चलता हूँ, एक बार और दर्शन कराऊंगा गोलजू देवता के मेन मंदिर के, जहाँ पर बाल रूप में विद्यमान है गोलू देवता। तो ये फिलहाल मंदिर है और यहाँ पर आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही चंपावत मेन सिटी के 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर पड़ता है, गोलू देवता, जिसे गोलजू देवता भी कहते हैं। तो ये है मेन मंदिर, आप देख सकते हैं बाल रूप में विद्यमान है, जय गोलजू देवता। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा चंपावत में स्थित ये गोलजू देवता का मंदिर। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर। जय गोलजू देवता।